तो व्हाट्सएप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं ब्राइडल ब्लाउज, तो वीडियो को आप फुल वॉच करो, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं स्केल से पेंसिल से जो है स्क्वायर बना ले रहा हूँ बॉक्स। बॉक्स बनाने के बाद फिर यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो शुगर बीट्स यूज़ करेंगे गोल्डन कलर का। उसकी जो कंपनी है वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है रेडियन, या फिर आप SG का कंपनी यूज़ कर सकते हो। उसकी दानी काफ़ी फिनिशिंग होनी चाहिए, यानी कि एक जैसा होना चाहिए, तो ब्राइडल ब्लाउज़ का जो लुक आता है वो काफ़ी अच्छा बनता है। और इसको स्टिच करने के लिए जो हम नीडल लेंगे यहाँ पे वो 8 नंबर लेंगे बारीक वाला, ठीक है। और धागा जो लेंगे वो लेंगे गोल्डन धागा, पॉलिस्टर थ्रेड लेंगे। पहले फर्स्ट हम सारे लाइंस पे हम आउटलाइंस मार देंगे शुगर बीट्स का। पहले एक लाइन हम लाइन से लेके जाएंगे, फिर हम सेकंड लाइन को कंप्लीट करेंगे, यानी कि हम स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे जितना हो सके आपको जो बीट्स है शुगर बीट्स काफ़ी क्लोज करना है, यानी कि चिपका के करना है, कहीं पे भी गैप नहीं आना चाहिए। लुकस काफ़ी अच्छा आता है, अगर हम गैप देते हैं तो हमारा काम भी ख़राब दिखता है और लुक भी काफ़ी ख़राब आता है। इसलिए हमको वर्क जो है वो चिपका के करना चाहिए, शुगर बीट्स की जो फिनिशिंग है वो ज़्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ पे वन साइड कंप्लीट करने के बाद आउटलाइन हम सेकेंड साइड में भी जो है लाइंस को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हम जो बीट्स फेंक रहे हैं ज़्यादातर हम एक या दो फेंक रहे हैं, तीन का बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा फेंकने से फिनिशिंग ख़राब होती है। एक या दो फेंकेंगे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। बीट्स कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जरदोजी, ये एंटी गोल्ड जरदोजी है जो कि दयाल जी का है 47, ठीक है। इसकी साइज़ हमको निडल के हिसाब से काटनी होती है, जो निडल का हमारा साइज़ होता है उसके हिसाब से हमको काटनी होती है। उतनी लंबी काटनी होती है, हल्का फुल्का छोटा रख के, क्योंकि हम वहाँ से हमको स्टिच करने के लिए निडल का फेस बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो काटेंगे जरदोजी उसके लिए कैची भी आपकी शार्प होनी चाहिए, यानी कि धार होनी चाहिए। यहाँ पे जो मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, आपका वन साइड से पूरा खुला हुआ है, यानी कि साइड से पूरा खुला हुआ दिख रहा है, तो आप पूरा एक ही बन में लेके जा सकते हो। अगर बॉक्स बॉक्स टाइप में पूरा पैकिंग है तो पूरा बॉक्स पूरा कंप्लीट करके फिर सेकंड बॉक्स को आपको करना है। अगर साइड से आप जा रहे हो, साइड से पूरा जो लाइन्स होती है वो खुली हुई होती है, ठीक है, तो एक ही बन में आपका पूरा बन जाता है। जरदोजी कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ग्रीन चांदला, यानी कि ग्रीन कुंदन यूज़ करूँगा और फेविकोल से चिपकाऊंगा। यहाँ पे फेविकोल कैसे लगाना है, पहले मिडल पे लगाया हमने, फिर साइड पे लगाया, फिर हमने स्ट्रेट लगाया, फिर हमने साइड पे लगाया, ठीक है। इस तरीके से हमको चिपकाना है, इसमें हमारा फ्लावर जो है वो प्रॉपर फ्लावर बनेगा, जो शेप है सर्कल का पूरा सर्कल का शेप बनेगा यहाँ पे हम जो स्टोन चिपकाने के तरीके से। पहले ऊपर नीचे लगाना है, ठीक है, फिर साइड में लगाना है।
यहाँ पे स्टोन चिपकाने के लिए आप वुडन निडल का इस्तेमाल कर सकते हो या माचिस की तीली का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे फेविकोल आपको इतनी क्वांटिटी में लगाना है कि आपका जो स्टोन है पूरी तरीके से चिपक जाए, उठे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में मैंने जो है रेनबो कलर का स्टोन लगाया है और पूरा राउंड में मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का स्टोन लगाऊंगा। स्टोन चिपकाने की बात, यहाँ पे हमें लेना है गोल्डन जरदोजी, ठीक है। जो मैं नंबर लिया हूँ यहाँ पे नटवरलाल का GS9 है, ठीक है। इसको स्टिच करने के लिए जो निडल लगेगा हमको वो लेंगे 7 नंबर का और धागा हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे हमको क्या करना है, एक ही बन में पूरे स्टोन को, यानी कि जो हम कुंदन चिपकाए हैं वो कुंदन को हमको आउटलाइंस देना है, एक ही बन में ये जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे जरी यूज़ करूँगा जो कि एंटिक गोल्ड है, और उसको स्टिच करने के लिए जो निडल यूज़ करूँगा वो एक तार है। यहाँ पे हमें एक बॉक्स में जो है जरी यूज़ करना है, एक बॉक्स में रेशम यूज़ करना है, तो लुक काफ़ी ज़्यादा बेटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे एक तार का निडल काफ़ी बारीक मार रहा, जितना हो सकता उतना फैब्रिक छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे लाइंस को कंटिन्यूसली हमको एक बॉक्स पूरा कंप्लीट करना है, एक लाइंस का पूरा बॉक्स कंप्लीट करना है, फिर उसके नीचे वाले बॉक्स में जो है हमको रेशम कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद छोड़ के फिर से हमको जरी कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो मैं रेशम यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कलर यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे हम दो तार यूज़ करेंगे और निडल भी हम यहाँ पे सेम यूज़ कर रहे हैं, जो हमने एक तार के लिए यूज़ किया था जरी के लिए वही हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको जो वाटर फिलिंग चाहिए वो काफ़ी बारीक चाहिए, काफ़ी घना चाहिए, ठीक है, एकदम बारीक में। तो इसलिए हम यहाँ पे एक तार का ही निडल यूज़ कर रहे हैं, बट आप करते हो यूज़ यहाँ पे, अगर आप यूज़ करते हो तो आपका एक टाका छूटता है, एक टाका रह जाता है। इसके लिए एक टेक्निक लगती है जो कि दोनों रेशम आपका बराबर से स्टिच होता है,
उस टेक्निक से आप स्टिच करोगे तो आपका दो तार रेशम भी जो है एक तार के हैंडल से सिल सकता है। यहाँ पे भी रेशम भी हमको काफ़ी घना करना है, जितना हो सकता उतना फैब्रिक को छुपाना है, क्योंकि इसके ऊपर भी हमको स्टोन चिपकानी है जो कि लुकस काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए हमको अपना रेशम की जो फिनिशिंग है वो काफ़ी घनी दिखानी है। और यहाँ पे आपको रेशम की फिनिशिंग दिख रही होगी, लाइंस की तरह मारे, जैसे हमने जरी मारा था उसी लाइंस की तरह हम इस रेशम को भी मारेंगे और काफ़ी घना मारेंगे। देखो आपके नीडल्स में अगर नहीं आ रहा है, एक तार में अगर दो रेशम नहीं आ रहा है आपका, तो आपको दो तार का नीडल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरा सेटिंग है, मैंने यहाँ पे नीडल सेटिंग किया है ताकि वो एक तार और दो तार दोनों चले। इसके हिसाब से मैं यहाँ पे दो तार का जो रेशम होता है एक तार से मैं कर पाता हूँ। रेशम कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे मैं फिर से फेविकॉल का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे टिपका टिपका देना है, यहाँ पे मैं चिपकाने वाला हूँ झारखंड। ठीक है, यहाँ पे आप चांदला या कुंदन चिपका सकते हो, पर यहाँ पे मैं झारखंड चिपका रहा हूँ क्योंकि उसकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है और लुक काफ़ी अच्छा आता है, यानी कि ज़्यादा शाइनिंग करता है। यहाँ पे जो मैं झारखंड यूज़ करूँगा वो सिल्वर कलर का यूज़ करूँगा, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे कलरफुल हो चुका है। तो यहाँ पे हम अगर कोई कलर का देते हैं, जैसे कि गोल्डन देते हैं या फिर हम रेड दे रहे हैं, है ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम सिल्वर दे रहे हैं ताकि दोनों कलर को ये आपस में स्टेबल करें। इसको चिपकाने के लिए अगेंस्ट आपको वही लेना है, वुडन निडल लेना है या माचिस की तिली लेना है, हल्का सा फेविकॉल लगा के वुडन निडल में उसको एक चिपक बना लेना है। ठीक है, कपड़े में पोंछ देना है, फिर उसको बाद में आपको झारखंड या फिर जो कुंदन लगाना होगा वो आप लगा सकते हो। ठीक है, याद रहे फेविकॉल हल्का सा लगा के पोंछ देना है, वरना आपका वहाँ पर दाग दाग आएगा, आपके स्टोन जो है वो शाइनिंग नहीं करेगी। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।